रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल 2021 सोमवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो। आज सोमवार का दिन है और आज के दिन भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मन की मुरादें जरूर पूर्ण होगी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। दिन आज सोमवार का है और महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी नामक तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक अगले दिन की रात्रि के 12:01 तक चलता रहेगा और इसके आगे शुक्ल पक्ष की अष्टमी नामक तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वशु नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह सुबह के 5:02 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 6:53 तक चलता रहेगा। योग की बात करें तो शुभकर्मा नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 8:06 तक चलता रहेगा और इसके आगे धृति नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:06 पर और सूर्यास्त का समय शाम के 6:45 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 11:06 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक रात्रि के 1:07 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा मिथुन राशि इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक रात्रि के 12:29 तक चलता रहेगा। आज का शुभ समय तो यह दोपहर 12 बजे से लेकर ठीक दोपहर 12:51 तक चलता रहेगा, अर्थात आज का अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 7:41 से लेकर ठीक सुबह के 9:16 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगा जाते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है बल्कि जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म, यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। तकदीर बदल जाती है जब कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इज्जत देते देते। चलिए अब जानते हैं आज का कुंभ राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। कुंभ राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। कुंभ राशि का दैनिक राशि फल। आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। आपकी सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई भी फैसला कार्यान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें कि आपको क्या करना है। स्वास्थ्य और कल्याण की अगर बात की जाए तो युवा दिखने का राज किसी सर्जरी की चाकू में नहीं है, मतलब किसी भी सर्जरी से युवा नहीं हुआ जा सकता है। इसकी कुंजी अच्छा है और संतुलित खाना। आप पिछले कुछ समय से अपने लुक्स को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन इसका समाधान काफी आसान है। जंक फूड से दूर रहें, खूब सारा फल सब्जियां खाएं और बहुत सारा पानी पिएं। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित
उत्पादों के साथ एक्सपेरिमेंट न करें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम और संबंध की अगर बात की जाए तो इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि एक तरफ की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप तक भी नहीं समझ पा रहे कि आपको वास्तव में संबंध से क्या अपेक्षा रखती है। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसले ले सके। करियर और धन के मामले में अगर बात की जाए तो आज आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। नए अवसर आपके कार्य क्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखें कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगी के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए सावधान रहें। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित बल्कि अपने सहकर्मियों के साथ समर्थन हासिल करना भी बहुत आवश्यक है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आज थोड़ा सोच समझकर ही करना है। दोस्तों, अगर इस जानकारियां से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।